और उत्तर प्रदेश में हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने प्रदेश में स्थित सभी किलो महलों के राजा महाराजा को विधान भवन स्थित तिलक हाल में आमंत्रित किया। इसको लेकर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह से जेएमडी न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा ने खास बात की, हम आपको दिखाते हैं। योगी सरकार ने आज रियासतों और किलों के प्रतिनिधिकर्ता राजा और रानियों का सम्मेलन किया था। हमारे साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। सर, किस तरह का सम्मेलन था जिसमें सभी राजा रानी और जो भी रियासतों के मालिक राजा राजवाड़े रियासतों के जैसे आज की बैठक इसलिए थी क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किले रियासतें इस तरह के पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं जिनको हम लोग हेरिटेज टूरिज्म के रूप में बड़ा स्कोप है, जिसको काफ़ी हम लोग उनको डेवलप करके उनको रिस्ट्रक्चरिंग करके और टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम कर सकते हैं। हमारे सामने है कि राजस्थान में जिस तरीके से हेरिटेज बिल्डिंग्स किलों को हेरिटेज बिल्डिंगों में तब्दील करने के बाद आज जब विदेशी कोई मेहमान आता है तो उसका प्रयास होता है कि किलों में अगर रहना गोरान में महसूस करता है। अगर कोई आप देखते होंगे मुंबई के सेलिब्रिटीज हैं और हैं तो जाके राजस्थान में उन्हीं किलों में अपने बड़े बड़े आयोजन करने का काम करते हैं। उसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय है कि हम हेरिटेज को हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाए 2022 का जो हम लोगों का टूरिज्म पॉलिसी बनी है लेटेस्ट जो सबसे अच्छी पॉलिसी सारे स्टेट में मानी जाती है उसके आधार पर हेरिटेज टूरिज्म को डेवलप करने के लिए हेरिटेज टूरिज्म को डेवलप करने के लिए कैसे बढ़ावा देना है उसके लिए किन किन व्यवस्थाओं को देना यही राजा महाराजाओं की रियासतें और किलों की हमें जरूरत थी तो उसी के विषय माननीय सभापति जी भी खुद का उनका किला है अन्य लोग बुलाए थे। बड़ी अच्छी चर्चा हुई है। सारी चर्चाओं के बाद हम लोग मिलकर के बहुत आगे बढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश में हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। सर, जब बैठक चल रही थी तो उसमें बहुत सारी विसंगतियों की बात की गई कि नोडल अफसर नियुक्त हो, प्राधिकरणों के जो नियम हैं वो भी आगे आते हैं और राजस्थान की तरह डेवलप करना है तो फिर राजस्थान की तरह छूट भी देनी है क्योंकि महाराणा प्रताप का किला राजस्थान में सबसे बड़ा हेरिटेज माना जाता है। वो सरकार उसमें लिमिटेड सहयोग करती है 50% उनकी हिस्सेदारी 50% सरकार की। नियम थोड़े से सरल करने होंगे, कैसा बैठक में फीडबैक? मुझे लगता है कि आपने सुना नहीं, विसंगतियाँ नहीं आई थी, सुझाव थे, सजेशन थे कि ये थोड़ा सा और कर दिया जाए तो ये दूर हो जाए। ये बैठक में जो होता है ना आपसी एक दूसरे को समझने का सुझाव, समस्याएं और समाधान, उस पर चर्चा हुई थी। आप भी रहे होंगे तो अगर ये सुना तो ये भी सुना होगा कि लोगों ने यूपी के टूरिज्म पॉलिसी की भूरभूर प्रशंसा भी की है। उसके अलावा जो सुझाव आए हैं गंभीरता से विचार करेंगे और सुझाव को जो भी उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार गंभीर है। हम लोग टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और खासकर हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध हैं। समस्याओं का समाधान होगा इस पर हम लोग मिलकर के आगे बढ़ेंगे, ये सैद्धांतिक तौर पर तय होगा। सर, एक आखिरी सवाल है, बुंदेलखंड की ओर विशेष फोकस किया जाए, कितनी संभावना है बुंदेलखंड के क्षेत्र में? देखिए, सारे क्षेत्रों में बुंदेलखंड आप जाना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र था, उसको डेवलप करने के लिए जब से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का लोकार्पण हुआ है अपार संभावनाएं वहाँ बढ़ी हैं, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर की बात हो, हेरिटेज किलों के डेवलपमेंट की बात हो, औद्योगिक एस्टेट बनाने की बात हो या अन्य अन्य तरीके से प्रदेश सरकार के माध्यम से और केंद्र सरकार के माध्यम से बुंदेलखंड जो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाता था उसको हम लोग विकसित क्षेत्र बनाने के लिए संकल्पित हैं और लगातार उस पर काम कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी हैं जिन्होंने आज एक बैठक बुलाई थी जिसमें सभी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे और मिनिस्टर शामिल हुए थे और इनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन की जो तस्वीर है बहुत जल्द बदलने वाली है। लखनऊ से वीडियो जल्दी शुभ उपाध्याय के साथ अभिषेक शर्मा, जेएमडी न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।